मकड़ियों ने तकरीबन हर किस्म के रिहाइश गाहों में रहने के लिए मवाफकत अख्तियार कर ली है और वो जमीन पर सरे फहरिस्त 10 अनवा में से एक हैं। वो तमाम माहौलियाती निजामों में अहम किरदार अदा करते हैं सिवाय आपके घर के। मकड़ी के दर्द जल हकाइक के बारे में जानकर आपको भी हैरत होगी। तमाम मकड़ियाँ रेशम पैदा करती हैं। मकड़ियों की तमाम 40,000 अनवा में कुछ मुश्तरक ये है कि वो सब रेशम को पैदा करती हैं। इसी तरह इनमें रेशम के साथ काम करने की सलाहियत भी है। एक मकड़ी 7 मुख्तलिफ इकसाम की रेशम पैदा कर सकती है। हर एक को मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे घूमने वाले जाले या शिकार को पकड़ना। ये ख्याल किया जाता था कि तमाम मकड़ियाँ गोश्त खोर हैं, दूसरे कीड़ों को पकड़ती हैं और खाती हैं। लेकिन वस्ती अमरीका में एक किस्म सब्जी खोर पाई गयी है जो ऐसे दरख्तों में रहती हैं जो अपने पत्तों पर प्रोटीन से भरपूर कलियां पैदा करते हैं। ये कलियां दरख्तों और चूंटियों के दरमियान एक इलामती ताल्लुक का हिस्सा हैं। ये मकड़ियां इन दरख्तों से खुराक हासिल करती हैं। मकड़ियां करीब से देखने वाली हैं। कुछ मकड़ियां बहुत रंग बिरंगी और हैरत अंगेज होती हैं, जिनको देखकर खूबसूरती का एहसास होता है। ज्यादातर मकड़ियों की 8 आँखें होती हैं, लेकिन कुछ भूरी मकड़ियों की सिर्फ 6 होती हैं। लेकिन इन तमाम आँखों से भी मकड़ियां दूर दूर तक नहीं देख सकती। बसारत का न होना लोगों के लिए एक मसला है, लेकिन मकड़ियों की आदतें ऐसी हैं कि बसारत से महरूम होना कोई कमी नहीं। वो अपने जालों में शिकार के फंसने का इंतजार करती हैं। ख्वातीन एक वक्त में 3,000 तक अंडे दे सकती हैं। कुछ मकड़ियाँ अंडे रेशम की थैलियों में रखती हैं। कुछ मादा अंडे देने के फौरन बाद मर जाती हैं, जबकि दीगर अपनी पीठ पर अंडों को रखती हैं। कुछ मकड़ियाँ इंसानों के लिए जहरीली भी होती हैं। वो मौसम गर्मा के आखिर में जोड़े बनाती हैं और अंडे देती हैं। मकड़ियाँ एक साल से कम अरसे तक जिंदा रहती हैं।